कश्मीर में 1990 में जो नरसंहार हुआ था, जिसमें वहां के कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जुल्म अत्याचार किया था, जिसके ऊपर विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल नाम की फिल्म बनाई है। इस फिल्म की पूरे देश में काफी चर्चा हो रही है। दर्शकों के फिल्म देखने के बाद उनकी काफी भावात्मक और उत्तेजित वाली प्रतिक्रिया आ रही है। आज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों पर इसी की चर्चा हो रही है। सर, बॉलीवुड से भी एक मूवी आई है जी, कश्मीर फाइल से नाम है उसका जी। देश में काफी चर्चा हो रही है, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है, निश्चित रूप से कश्मीर में 1990 के आसपास जो वहां पर ब्राह्मण समाज के लोग या जो हिंदू धर्म के लोगों पर अत्याचार हुआ, उसके हम लोग घोर भर्त्सना और घोर निंदा करते हैं। और जो आज उस फिल्म के माध्यम से उनकी पीड़ा और दर्द को दिखाया जा रहा है, हम लोग बिल्कुल उसको सही ठहरा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस देश में हजारों साल से दलित, शोषित, वंचित समाज की महिलाओं के ऊपर, लोगों के ऊपर भी मानवीय अत्याचार हुए, उनको लेकर भी फिल्में बनी, जैसे शुद्धता राइजिंग और आर्टिकल 15, राजनीति और इस प्रकार की कई सारी फिल्में। उन फिल्मों को भी उतना ही समर्थन मिलना चाहिए, उतना ही उन फिल्मों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, उनको उसका समर्थन करना चाहिए। देखा कि नहीं हुआ, केवल इस फिल्म को इतना महत्व, इतना बढ़ावा, इतना समर्थन मिलने की वजह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बहुत सारे राज्यों में चुनाव है, उसमें बीजेपी उससे फायदा लेना चाहती है, ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसी पर, इसी तरीके से 1984 में जो दंगे हुए और पूरे देश के अंदर सिखों का नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ, 2002 में गोधरा में इस प्रकार की स्थिति हुई जिसमें मुस्लिम समाज के हजारों लोग मारे गए, उन पर भी फिल्में बनना चाहिए, उनको भी दिखाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के इस प्रकार की जो घटनाएं, दुर्घटनाएं समाज में होती है, इस प्रकार की अमानवीय अत्याचारों की जो जो इस प्रकार की घटनाएं होती है, उसको दिखाना चाहिए और समाज के हर पक्ष तक, हर इंसान तक, हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचना चाहिए, ताकि उससे लोगों को सबक ले और फिर से इतिहास की पुनरावृत्ति ना हो, बिना भेदभाव के सबको दिखाना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। और ये बाकी जो जो आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो बहुत सारे दलित और पिछड़ी जातियों के साथ जगह जगह आपने देखा होगा कि पिछले कई बिहार के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं हुई और कई सारे वहां पर परिवार के परिवार लोगों के साथ अमानवीय अत्याचार हुए, हत्याएं हुई, बलात्कार हुई, इस प्रकार की घटनाएं होती है, उन पर भी आधारित बहुत सारी फिल्में अभी जो बनाई जा रही है, उनको भी दिखाना चाहिए बिना भेदभाव के। और ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें, बिना पक्षपात, बिना भेदभाव के सभी लोगों को इसमें सपोर्ट मिलना चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए, ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। मैंने कश्मीर फाइल्स जो है मूवी अभी देखी है हाल ही में, और उस मूवी को देखने के बाद ये पता चलता है कि किस तरीके का वहाँ के एक अलग धर्म के लोगों ने हिंदुओं के साथ नरसंहार किया है। हम लोगों ने इस बारे में जो है 1990 का ये वाकया हम लोगों ने केवल सुना ही था, तो हमने कभी भी इस वाकये को महसूस नहीं किया था। लेकिन जब इस मूवी को देखने के बाद तो पता चलता है कि क्या उन लोग कश्मीरी पंडितों के ऊपर, वहाँ के हिंदुओं के ऊपर किस तरीके की गतिविधियाँ रही होगी, किस तरीके से उनके ऊपर बीती है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने धारा 370 हटाकर उस कश्मीर को हमारे भारत में शामिल किया, और वहाँ के जो लोग हैं आज भारतीय संविधान का फायदा लेकर और अपना जीवन एक सुचारू रूप से जिन्होंने प्रारंभ किया है, उनको भी मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने धारा 370 हटाकर कश्मीर के इस लंबे समय के विवाद को समाप्त किया है और सभी लोगों को जो है एक अच्छा जीवन जीने का मौका दिया है। धन्यवाद भैया। कश्मीर फाइल से जो मूवी आई है, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मूवी आज से 20 साल पहले आ जाना चाहिए, हम 34 साल पीछे हैं। जिस प्रकार का अत्याचार कश्मीर में जो पंडित थे, वहाँ के हिंदू पंडित थे, उनके साथ हुआ था, वो अब बाहर निकल कर उनका दर्द आ रहा है। और मैं अग्निहोत्री को, जिन्होंने ये फिल्म बनाई, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज पूरे देश को यह मालूम पड़ रहा है कि कश्मीर के लोगों पर कितना अत्याचार हुआ है। और उस समय जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को दबाया था, और अब ये जब फिल्म बनी है,
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो टाकीज हैं वो एक्स्ट्रा दो दो दिन पहले तक उनके टिकट बुक हो रहे हैं, मतलब जनता जाग रही है और जनता को लग रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद किया है। और उसके साथ आतंकवादी जिस प्रकार से हावी थे कश्मीर फाइल्स में, आपको पूरी चीजें दिखेगी। हालांकि मैंने अभी फिल्म नहीं देखी, लेकिन जो उसके रोचक तथ्य है और जो बातें निकल कर सामने आ रही है वो निश्चित रूप से अब हमारा देश आगे बढ़ेगा और जो जागृति है वो हमको देखने को इस कश्मीर फाइल्स में। कश्मीर फाइल्स जो मूवी बनी है, अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छी मूवी बनाई है और जो सच इतिहास के पन्नों में छुप गया था उसको उस जो पहले पर्दे पर लाकर जो जिस सच्चाई को वास्तविकता को अग्निहोत्री जी ने जो दिखाया है उसके लिए मैं और हम सब भारतवासी उनके ऋणी भी हैं और आगे से ऐसी उम्मीद रखते हैं कि ये जो सच इतिहास के पन्नों में जो दब गए हैं कश्मीर फाइल जैसे, वो सब इतिहास के पन्नों से बाहर आकर लोगों के मस्तिष्क पटल तक जाना चाहिए।